बोलती है। जी जा लहंगा ले ले आईहा कलकत्तावा से, जी जा लहंगा ले ले आईहा कलकत्तावा से। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, लड़के दर दर के ठोकर खाते हैं और लड़कियों लोग को आसानी से काम मिल जाता है। हाँ। लड़कियों को आसानी से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और एक भी और बात जो आपने कहा है कि ये बड़े कलाकारों लोग, मतलब बड़े कलाकार या जो भी वैसे हैं स्टूडियो वाले चाहे जो भी हो, वो उनका हम नाम की निंदा नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये जो आप बोले कि एक सिस्टम से दो गुजरना पड़ता है लड़की लोग को, तो ये सही बात है। तोहके देख के जनता बदल गईलू हो, का रहलू कहऊ तू का भईलू हो। तोहके देख के जनता बदल गईलू हो, का रहलू कहऊ तू का भईलू हो। जय हिंद, आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज चैनल और मैं हूं प्रवीण गुप्ता। आपको बता दें कि बिहार में कहे तो बहुत सारे कलाकार हैं और एक से एक कलाकार है जिनको देख करके मन में कहा जाए तो एक अलग सी उत्सुकता होती है कि काश इनको सुनते। और वैसे ही कलाकार अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनका नाम है गौरव सिंह। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज चैनल में। आपको मेरे तरफ से धन्यवाद और नमस्ते प्रवीण जी। और हिंदुस्तान न्यूज को देखने वाले जितने भी जनता जनार्दन है, भोजपुरिया समाज, सब लोग को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इसमें क्या सच्चाई है कि आप लोग पवन सिंह के, मतलब समझिए तो, तुलना करते हैं और आपकी आवाज़ को जो है उनके लेवल पे देखते हैं? ये मतलब जनता जनार्दन का या जो भी हमारे भाई लोग हैं उनका बड़प्पन है, प्यार है। मतलब हर आदमी का तो एक अपना आवाज़ होता है, लेकिन होता है ना कि बोल रहा है तो उनको जज वो करते हैं कि ऐसा है। हमको तो लगता है कि हम अपना जैसा गाते हैं, मेरा जो आवाज़ है, लेकिन अब सामने से आप सुन रहे हैं, चाहे जो भी सामने वाले लोग जो सुनते हैं, जो लोग सुनते हैं वो बोलते हैं कि आप उनके जैसा उनका आपका आवाज़ है, तो ये उनका बड़प्पन प्यार है। चलिए, हम आपके बारे में बहुत कुछ जानने का कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक कलाकार का इंटरव्यू हो रहा है, एक सिंगर का हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा सुनाइए कि जो उनके दिल को टच कर जाए। एक मेरा गाना आया हुआ था, उससे वही में से सुनाते हैं, लोकगीत था, लेकिन उससे पहले एक लाइन मेरा एक भक्ति गाना भी आया था, वो भी सुनाते हैं, बहुत प्यारा गाना था। भक्ति भाव विनय के बाटे, जे भी करे दिल से सब दुख दूर हो जाए भैया, जे पूजे माई चरण के बेटावा बुलावे माई सभा बीचे आ जाई, बेटावा बुलावे माई सभा बीचे आ जाई, लजिया बचा लई हो ए हमार माई, ए हमार माई सभा बीचे आई जान हो, ए हमार माई सभा बीचे आई जान हो। बहुत अच्छा लगा, ले भक्ति रहा, लेकिन नए जनरेशन के लिए जो लोग भोजपुरी में सुनना पसंद करते हैं, तो भोजपुरी में कुछ ऐसा जो कि आपका आपका फेवरेट रहा हो और उस पर आपका जो भी दर्शक का प्यार रहा हो आपके लिए, आपके प्रति, वो अच्छा निकला हो, मतलब कि ज़्यादा जो आपके इंग्लिश में कहा जाए तो ज़्यादा व्यूज आए हों, वो गाना हाँ जो सब लोग को पसंद था, एक सैड सॉन्ग आए थे। तोहके देख के जनता बदल गईलू हो, का रहलू कहऊ तू का भईलू हो। तोहके देख के जनता बदल गईलू हो, का रहलू कहऊ तू का भईलू हो। तोहके समझे न पवनी हो, हो कौन कारण हमारा के धनिया दिलावा से कैलू फरमेट हो, कौन कारण हमारा के धनिया दिलावा से कैलू फरमेट हो। अच्छा, ये जो गाना आप गाए थे, क्या वजह था कि ये गाना गाए थे? ये गाना बस ऐसे ही बैठे हुए थे, बस अचानक माइंड में आया तो बस लिख दिए। अचानक माइंड में आया,
आगे दिल पे चोट लगा तो आपने गा दिया। नहीं, एक भैया थे तो बैठे हुए थे, तो कहानी बता रहे थे कि ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब रात्रि का समय था, दूसरे किसी का कहानी था, आपने दूसरे गाने का माध्यम से बयान, तो बस वो बोल रहे थे, हम माइंड में आ रहा था, मतलब भैया ये पर तो गाना बन जाए, तो कहने के लिख द, बस लिख देनी, हारमोनियम पर कंपोज कर देनी, हो गई, वो कल सवेरे होके गा देनी। लोग के संजोग ऐसा कि हर कार्यक्रम में लोग ज़्यादा ये चीज़ के पसंद कर ला कि ये गाना सुनाइए, ये गाना सुनाइए। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? दर्शक लोग तो मानिए यूट्यूब और फेसबुक माध्यम से जानता है, सोशल मीडिया के माध्यम से जानता है, लेकिन रहने वाले आप कहाँ के हैं? हम रहने वाले मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, रहने वाले हैं सरैया से। जी जी, कैसे परिवार से आप आते हैं? जैसे आप हैं वैसे हम हैं, मिडिल फैमिली से, मिडिल क्लास। जी जी। अच्छा, बहुत लोगों का रहता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आने के बाद से फैमिली सपोर्ट करना छोड़ देता है, आपके फैमिली में अभी कैसा रहा? नहीं तो कहने का मतलब, फैमिली सपोर्ट करना छोड़ देता है तो ऐसा काम करिएगा तब ना, अगर काम अच्छा करिएगा तो फैमिली क्यों सपोर्ट करना छोड़ देगी? अगर कुछ ऐसा करिएगा जिसे मानी कि मान सम्मान में ठेस पहुँचे, परिवार का नाम नीचा हो, ऐसा काम करिएगा तब तो मानी कि हम ऐसा काम ही नहीं किए हैं अभी तक जिससे नाम नीचा हो, कोशिश किए हैं कि ऊपर हो। ऊपर जी, मतलब कम से कम नीचे ना जाए, नीचे ना, जहाँ है उससे नीचे ना जाए, उससे ऊपर जाए, उससे ऊपर जब नीचे जाएगा तो होगा ना, तब तो आप भी कहना छोड़ दीजिए कि नहीं हमारे भाई नहीं, इनको नहीं। आपका आवाज़ तो मतलब वाकई कहा जाए तो पवन सिंह जी से लगभग मिलता है, आवाज़ आपका बहुत ही अच्छा है। बस आप लोग का, लेकिन हमको एक चीज़ बताइएगा कि लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लड़कियाँ आती हैं उन्हें कलाकारों के बिस्तर से गुजरना पड़ता है, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई तो मतलब हम भी ये चीज़ को मतलब इतना दिन से हम देख रहे हैं तो लगता है कि वास्तव में ऐसा लगता है कि किसी लड़का लोग आता है तो उन लोग को छः महीना साल भर मतलब दौड़ना पड़ता है इधर उधर 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 लोग को जानते हुए भी, और वो लोग आता ही है और महीना दिन के अंदर में उन लोग का सब शॉर्ट आउट हो जाता है, थोड़ा सा ये होता है। और अब ये चीज़ मतलब कहा जाए तो लड़के दर दर की ठोकरें खाते हैं और लड़कियाँ, नो डाउट इसमें कहीं से, बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट, लड़के दर दर के ठोकर खाते हैं और लड़कियों लोग को आसानी से काम मिल जाता है, मतलब लड़कियों को आसानी से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और एक भी और बात जो आपने कहा है कि ये बड़े कलाकारों लोग मतलब बड़े कलाकार या जो भी वैसे हैं स्टूडियो वाले चाहे जो भी हो, वो उनका हम नाम की नहीं का नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं कि एक सिस्टम से दो गुजरना पड़ता है लड़की लोग को, तो ये सही बात है, ये सही बात है, हकीकत। हर लड़की को बिस्तर से गुजरना है? नहीं नहीं, हर लड़की को नहीं, कुछ बहुत ऐसे भी गायिका हैं जो बहुत अच्छी हैं जिनका मतलब कि आप तारीफ करते न थकिएगा, ऐसी मतलब गायकी से भी और उनके व्यवहार से भी, लेकिन कुछ लोग चंद लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल है जो पूरा माहौल को एकदम खराब करके रखते हैं। सत्य बात है, सत्य बात है ये। अच्छा, हम अपने दर्शकों, हमारा दर्शक आपका इंतजार कर रहे होंगे, तो एक गाना चलते चलते सुना दीजिए हमको पहले। एक गाना मतलब जो मेरा अभी लेटेस्ट आया वो? हाँ, जो लेटेस्ट जो अभी फिलहाल में आया हो। फिलहाल में मेरा एक गाना है कि गाने का बोल है, कल आया है। हाँ। बोल ये साली बोल खा बाचो आईस, पूरा करम तो हर सारा खो आईस, लड़का बोलता है। बोल ये साली बोल का बचो आईस, पूरा करम तो हर सारा खो आईस, तो लड़की बोलती है हे जिदी ही नहीं कुछ हो अपना हथवा से, हथवा से, आगे बोलती है जी जा लहंगा ले ले आईहा कलकत्तावा से, जी जा लहंगा ले ले आईहा कलकत्तावा से, जी जा लहंगा ले ले आईहा। अच्छा, आपके मतलब कहा जाए तो आपके आवाज़ और आपके गाने का एक अलग अंदाज है, कहे तो आज मतलब अभी फिलहाल में कहा जाए तो किसी से छुपा नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री में नीलकमल जी का स्थान क्या रहा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका स्थान तो छुपा नहीं है, और कहा जाए तो उसी ट्रिक का हिसाब से और पवन सिंह के आवाज़ को लेकर के आप चल रहे हैं, हम भी चाहेंगे कि उनसे भी बड़े लेवल पर जाएं सबसे पहले। तो बस आप लोग का आशीर्वाद प्यार, आप लोग मतलब भाई हैं, बड़े भाई हैं आप लोग का। अरे नहीं, आपसे तो छोटे ही हैं दर्शक लोग। कहने का मतलब है कि आप एक्सपीरियंस अनुभव में तो हमसे ज़्यादा है ना, आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं और आप लोग का सपोर्ट प्यार आशीर्वाद रहा तो कलाकार दिन दुना रात चौगुना, हम ही नहीं कोई भी कलाकार बढ़ सकता है, इसमें नो डाउट। अच्छा, आप इतना अच्छा गा करके इतना हाईलाइट होते जा रहे हैं, लेकिन जो लोग गंदा गाते हैं उनके लिए क्या कहिएगा? जो गंदा गाते हैं उनके लिए यही बोलेंगे तू गंदे गावो, तब ना हमने के पहचान बचल रही। ठीक ना, तू गंदे गावो तोरा वही में बढ़ोतरी होखो। ठीक ना, और अच्छा गाना शुरू कर दीजिए फिर इन लोग का तो मार्केट कम हो जाएगा। तो जब अच्छा बुरा जब दू गो ना रही तो कैसे कहा जाए कि तू अच्छा हम बुरा,
हम अच्छा तू बुरा, ये वो बनल है। हमारे दर्शकों को क्या कहिएगा? बस यही कहना चाहेंगे कि आप सभी जितने भी जनता जनार्दन भोजपुरिया समाज जो भी हम लोग को देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, बस अपना आशीर्वाद प्यार यूं ही बनाए रखिए और दोनों भाई पे आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए कि प्रवीण जी भी दिन दुगना रात चौगुना बढ़े और आपका भाई, आपका छोटा भाई बेटा आपका गौरव सिंह भी दिन दुगना रात चौगुना बढ़े और मेरा बैक टू बैक गाना आने वाला है उसको भी आप लोग का ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मिले, बस यही कामना है। चलिए आप लोग भी अपने सोशल मीडिया पे गौरव सिंह जी को सर्च कीजिए और सुनिए और इनको ढेर सारा प्यार दीजिए कमेंट के माध्यम से। हालांकि इस वीडियो में भी आप लोग अपना प्यार बरसाइए और कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देने का प्रयास कीजिए। हालांकि यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा, इनकी सिंगिंग कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।